चेन्नई सुपर किंग के पूर्व कप्तान एम एस धोनी ने सीजन में कप्तानी छोड़ दी और रविंद्र जडेजा को टीम की कमान सौंपी। हालांकि मैदान पर धोनी कप्तान की तरह ही एक्टिव रहते हैं, फील्ड प्लेसमेंट से लेकर बॉलिंग चेंज तक हर निर्णय खुद माही लेते दिखते हैं। दरअसल चेन्नई लगातार 3 मैच हार चुकी है और उसे वापसी का इंतजार है। इस प्रदर्शन पर पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने धोनी को फटकार भी लगाई है। दरअसल उन्होंने पंजाब के खिलाफ मिली हार के बाद कहा कि धोनी के पास स्ट्राइक चेंज करने की क्षमता है, फिर भी वो डॉट बॉल खेल रहे हैं। सब जानते हैं कि धोनी बैटिंग के लिए आते ही बड़े बड़े शॉट नहीं खेलते हैं, लेकिन वो एक या दो रन चुराते रहते हैं और इस तरह से विरोधी गेंदबाजों पर दबाव बनाते हैं। हालांकि वो पिछले मैच में ऐसा नहीं कर सके। पिछले मैच में शिवम दुबे ने शानदार बल्लेबाजी की थी, लेकिन बाकी टीम फ्लॉप रही। किसी ने भी पंजाब के गेंदबाजों का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटाई। दुबे ने शानदार अर्धशतक जड़ा था। वहीं पंजाब के हाथों शिकस्त झेलने के बाद कप्तान रविंद्र जडेजा ने कहा कि धोनी भाई ने कुछ महीने पहले कप्तानी के बारे में कहा था, जिसके बाद से मैं तैयारी कर रहा था। मानसिक रूप से मैं नेतृत्व करने के लिए तैयार था और मुझ पर कोई दबाव नहीं था। दरअसल उन्होंने कहा कि धोनी भाई अपनी बातें बताते हैं, हम भाग्यशाली हैं कि वो हमारे साथ है। रविवार को सीएसके को पंजाब किंग्स के खिलाफ 54 रनों से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। उल्लेखनीय है कि पिछले सीजन धोनी ने अपनी टीम को आईपीएल खिताब जिताया था। धोनी 4 बार सीएसके को चैंपियन बना चुके हैं और ये उनके करियर का आखिरी आईपीएल सीजन भी हो सकता है। खैर दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी को लेकर आपको क्या लगता है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।